हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास में पुराने जमाने के नोट और सिक्के हैं तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, पुराने नोट और सिक्के बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए अलग अलग जगह पर ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन लग चुके हैं। तो दोस्तों, कहां पर कौन कौन से ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन लग चुके हैं और इनके अंदर कौन कौन से पुराने नोट और जो सिक्के हैं वो नीलामी के लिए रखे गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो दोस्तों, पुराने नोट और सिक्के बेचने के चक्कर में आप किसी भी को रजिस्ट्रेशन फीस मत देना, क्योंकि दोस्तों, पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस होती ही नहीं है। जो लोग आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं वो फ्रॉड लोग है। आपको उन फ्रॉड लोगों से बचना है, किसी भी प्रकार का पैसा उन्हें नहीं देना है, वरना दोस्तों आप लूटे जाओगे, बर्बाद भी हो जाओगे। और एक खास बात दोस्तों, कि अपनी बैंक से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी डिटेल या फिर कागजात किसी भी को नहीं सौंपना है, वरना दोस्तों कोई भी आपका बैंक डिटेल लेके आपके बैंक अकाउंट से पैसे साफ कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड बायर से संपर्क नहीं करना है जो कि आपसे आधार कार्ड की ओटीपी मांगता हो, बैंक की ओटीपी मांगता हो, साथ ही साथ दोस्तों आपके पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड के बारे में जानकारी मांगता हो। तो दोस्तों, वो फ्रॉड लोग है और आपके साथ वह धोखा कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको उन फ्रॉड लोगों से बचना है। साथ ही साथ अगर आप फ्रॉड लोगों से बचते हुए जो नोट और सिक्के हैं वो सेल करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार सेल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ ऐसे पुराने रेयर एंटिक नोट और सिक्के लेकर आया हूं जो अगर आपके पास में है तो दोस्तों, आप घर बैठे इन्हें सेल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो आपके लाखों रुपए कैसे खाते में ट्रांसफर होंगे या दोस्तों लाखों रुपए आपको हाथों हाथ रोकड़ मिलेंगे, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बने घंटे को भी ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दे, साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दे। दोस्तों, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के पुराने नोट और सिक्कों से संबंधित सही ऑथेंटिक जानकारी वाली वीडियोस बनाने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भारत के अलग अलग कोनों में ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन लग चुके हैं और हाल फिलहाल में जो ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन लगने वाला है वो है दोस्तों मुंबई के अंदर लगने वाला एक बहुत ही बड़ा ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन जिसका नाम है शुक्ला डे 2022। और दोस्तों, ये जो एग्जीबिशन है मुंबई के कोफ फ्राडे एरिया में लगा हुआ एग्जीबिशन है। तो दोस्तों, अगर आप मुंबई के रहने वाले हो या मुंबई के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हो तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। इस एग्जीबिशन के अंदर जाने के लिए दोस्तों, आपसे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। इस एग्जीबिशन के अंदर एंट्री बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पर आप जो भी नोट और सिक्के बेचेंगे दोस्तों, उसके बदले में आपको किसी भी प्रकार की जो फीस है वो नहीं चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों, ये जो ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन होने वाला है ये दोस्तों 22 तारीख से लगाकर 24 तारीख के बीच में होने वाला है। हाँ दोस्तों, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इस ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन की जो डेट है वो थोड़ी बहुत चेंजेज हो सकती है। तो आप ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर जाने से पहले इस ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन की डेट को कंफर्म जरूर कर लें ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इस ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर जाने वाले हैं अगर आपके नोट और सिक्के लेकर, तो दोस्तों आप जान लें कि कौन कौन से नोट और सिक्के जो है रेयर है जो यहाँ पर इस ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर सेल होते हैं। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियोज बनाए जाते हैं जिसमें कोई भी प्रकार के नॉर्मल सिक्के को उठा लिया जाता है और उसकी कीमत लाखों और करोड़ों में बता दी जाती है। तो दोस्तों, आपको उन फेक वीडियोज के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर आपको इन ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर नहीं जाना है, वरना दोस्तों आपके हाथ निराशा है, असफलता ही लगेगी। आपको सही ट्रस्टेड बायर या फिर ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल या ट्रस्टेड वेबसाइट के माध्यम से पहले ये पता कर लेना होगा कि आपके पास में कौन कौन से सिक्के हैं और वो कितने रेयर हैं, उनकी वैल्यू कितनी है। वरना दोस्तों, बाद में लोग क्या करते हैं कि ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो कलेक्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनके पास जाकर बोलते हैं कि हमारे सिक्के की कीमत इतनी है, इतनी है, हमारे नोट की कीमत इतनी है, हमें यूट्यूब पर इस प्रकार बताया जाता है कि इतनी कीमत आपको इस नोट या फिर इस सिक्के के बदले में मिलेगी। तो दोस्तों, आपको पहले जान लेना है, बाद में जाकर वहां पर किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं करना है। ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर जो बायर है, कलेक्टर्स है, उसके साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है।
और दोस्तों मैं एक बात पहले ही आपको बता दूं, ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर सिर्फ रेयर नोट और रेयर सिक्के ही बिकते हैं। अब दोस्तों रेयर नोट और रेयर सिक्के कैसे, जैसे कि दोस्तों आपके पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट हो गया और उस 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के अंदर सीरियल नंबर हो गए 000786 या 77786 या सीरियल नंबर के पीछे में 786 या सीरियल नंबर के आगे 786 हो और उसके पीछे कोई फैंसी नंबर हो, जैसे 000 हो गया, 999 हो गया, तो दोस्तों वो नोट आपका वैल्यूएबल माना जाएगा, वो नोट आपका कीमती माना जाएगा, वो नोट आपका ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन के अंदर सेल हो जाएगा। और अगर आपके पास में माता वैष्णो देवी की कॉइन्स है, चाहे वो दोस्तों 5 रुपए का कॉइन्स हो गया या फिर 10 रुपए का कॉइन्स हो गया, तो दोस्तों उसमें भी अलग अलग वैल्यू आपको मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपके पास में स्टार मिंट मार्क वाला वैष्णो देवी का कॉइन्स है तो दोस्तों उसकी कीमत आपको कम मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में डॉट मिंट मार्क वाला यानी कि मुंबई की मिंट से जारी हुआ माता वैष्णो देवी का कॉइन्स है तो दोस्तों उसकी वैल्यू आपको अधिक मिलेगी और आप उस कॉइन्स को ओल्ड कॉइन्स एग्जीबिशन मुंबई के अंदर ही सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास किसी भी प्रकार के पैसे वाले सिक्के हो गए, जैसे दोस्तों 1 पैसे वाला सिक्का हो गया, 25 पैसे वाला गेंडे वाला सिक्का हो गया, जी हाँ दोस्तों 25 पैसे वाला गेंडे वाला जो सिक्का है वो दोस्तों बहुत ही कीमती सिक्का है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा और वो है दोस्तों उस सिक्के की सन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में गेंडे वाला 25 पैसे का सिक्का है और उसके अंदर सन है 1988 तो ही दोस्तों वो आपका सिक्का रेयर माना जाएगा, दूसरी सन का कोई भी सिक्का आपका रेयर नहीं माना जाएगा। 1988 सन का गेंडे वाला कॉइन्स ही आपका रेयर माना जाएगा और उसके बदले में ही आपको बहुत ही अच्छी कीमत जो है वो मिलेगी। बाकी अगर आपके पास में 2 रुपए का पुराना नोट है और उसके अंदर है 786 786 या फिर सिंगल 786 तो वो नोट भी आपका रेयर माना जाता है। और कुछ ऐसे नए नोट भी है जिसके अंदर दोस्तों आपको सीरियल नंबर में स्टार बना हुआ दिखाई देगा, तो स्टार वाले वो नोट भी बहुत ही कीमती है, जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए 500 का स्टार नोट हो गया, 10 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार का नोट हो लेकिन उसके अंदर होना चाहिए दोस्तों स्टार सीरियल नंबर के अंदर, तो ही दोस्तों वो नोट आपका रेयर माना जाता है। और कुछ ऐसे एंटिक नोट भी है जो दोस्तों सफाई के कारण बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में, कैसे कि दोस्तों जब इन नोटों की छपाई हुई थी तो दोस्तों इन नोटों में कुछ एरर कुछ गलतियां हो गई थी जिसके कारण वो नोट आपका रेयर माना जाएगा। दोस्तों गलतियां कैसे कि दोस्तों जब सफाई होती है तो दोस्तों वो अलग अलग स्टेप्स में होती है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 500 का एक नोट है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी की तस्वीर यहाँ पर आपको डबल नजर आएगी, तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आपके पास में कोई नोट है तो वो भी नोट आपका रेयर माना जाएगा और इस प्रकार के नोट के बदले में भी आपको बहुत ही ज्यादा कीमत मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों और लोग भी जान पाए इन पुराने नोट और सिक्कों के बारे में और उन्हें बेच पाए लाखों रुपए में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।